पकड़ना मुझे? मैं पकड़ता हूँ। अल्लाह तेनु पुलसी भड़े। आइए आइए आइए। एक गांव ने शिकायत लाने वाला कुकड़। हेलो। नहीं 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 नहीं। क्यों गलत करते हैं? मैं मुखातब हूँ नौजवान नस्ल से जो सारी रात मोबाइल फोन पे दोस्तों के साथ रابطے में रहते हैं मगर घर में बूढ़े बाप को टाइम नहीं देते। इनू कितों आदत पई? कितों एक मुशायरा पढ़ रहे पिछों किसी ने लग चिट मारी। हां जी तुम्हारी कदर नहीं होनी और मैनू भी नहीं। जी बस ढूंढ रहा था लरजते होठों से। अरे वाह वो लफ्ज ढूंढ रहा था लरजते होठों से ज़ईफ बाप को बेटे से बात करनी थी। बाप के बाद नाज कोई नहीं उठाता। चिंता ता चिता ता ता चिंता। नफ़ज़ा नफ़ज़ा। कोई बात। मैं किसमें माँ मेरे अब्बू फ़ोटो इन बारे में। मैम को डायरी दो। कौन सुना? चलो चलो ले भी मुबारक हो। उन्होंने तेरी दुकानदारी बंद कर दी। नहीं 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 कोई मसला नहीं है लेकिन ये ज्यादती है। डायरी तो मांग ली एक दिन दिल भी मांग ले। मैं माफ़ी चाहती हूँ भाई। मेरी मेरी फ्लाइट में ना को पायलट की सीट नहीं। कोई और शेर सुनाओ यार। मैं कह रहा हूँ वो दे दे डायरी मेहरबानी। चले दे 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 दे। लेकिन पढ़ना नहीं है। क्या शायरी की रेड मारी है? रेड मारी। शायरी अबे जा शायरी की रेड। हिना जी। सोशल मीडिया के दलदल में फंसे नौजवानों से मैं मुखातिब हूं। बाप की कदर करो। बाप तो वो एटीएम कार्ड है जिसका बैलेंस कम भी हो तो भी वो बच्चों की ख्वाहिशें खरीद लाता है। खुदा मेरी इल्तिजा है अपने वालिद से हम कलाम रहो यूं वो बूढ़ा जवान रहता है। वाह यार वाह वाह। हर वार को जो रोके बाप है वो ढाल। मैं उड़ी उड़ी जावा हवा दे नाल। ओए तू चला जाके उन्हें कुछ सारी पढ़वा के जाना ही। दूगिन गेट गेट एक्सपर्ट गेट दूगिन गोगा फाइव गोगा फाइव। तुम कितने कीमती आदमी हो भाई। मैं बिल्कुल मैं बहुत कुछ लिखा मैंने। मैं तेरी दावत करना चाह रहा था। कहाँ पे सर? दुआ कर तलवार सस्ती हो जाए। पेपर आखिरी छोटा सा मैंने लिखा ये सुन ले। मैंने फिर जाना है। ये आपके लिए है और आपके लिए सबके लिए है। वाह पूरी दुनिया के लिए मैंने लिखा। मैंने लिखा उसकी तमाम उम्र का तरका खरीद ले। ये बड़ा खूबसूरत शेर लिखा है। उसकी तमाम उम्र का तरका खरीद ले। बुढ़िया का दिल था कोई तो चरखा खरीद ले। एक बूढ़ा अस्पताल में देता था ये सदा है कोई जो गरीब का गुर्दा खरीद ले। काश कोई तो दे गरीब बाप को तसल्ली। बढ़िया छली करारी छली अच्छा जी जी ऑडियंस हमारे प्यारे हमारी वो आंखें जिन आंखों की वजह से हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं क्या बात जिन्होंने हमें आपको 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 सबको देखा तो बात यहाँ तक पहुंची। कोई सवाल जो भी सवाल आते हैं आप पूछना चाहते हैं माइक दीजिए प्लीज ऑडियंस इनको दीजिए सबसे पहले ये फर्स्ट रो पे जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मुस्कान है और मैं स्टूडेंट हूँ।
माशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि मैम हिना और आप मेरी आंखों के सामने हैं। क्योंकि मैं आप ना के दोनों आंखों के सामने थे, ऐसे नहरों पार बैठे। एक्चुअली मेरी आंखें उन दोनों से हटी नहीं रही, इसलिए। जी अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिदा है। मेरा ना आपके लिए एक शेर है। अरे ना मिल रहा है ना खो रहा है तू, ना मिल रहा है ना खो रहा है तू, कितना दिलचस्प हो रहा है तू। अगला सवाल आप पूछना चाहेंगी कुछ? कौन पूछना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जल्दी बोला। अरे मजे मजे। Really, sir, big fan of you. Thank you. अच्छा मैम, आपसे सवाल है मेरा कि आप जैसे कि आपका करैक्टर है मोमो वाला, बड़ा ज़बरदस्त करैक्टर है। इवन कि हमारे घर में इतना पसंद किया जाता है कि मेरे भाई ने मेरी भतीजी का नाम मोमो रख दिया है। यानी उसका नाम ही मोमो है, हालांकि सारा है। तो जैसे कि आपका करैक्टर है, मतलब एक इंस्पायर्ड होता है बंदा के जिस तरह उस वो बच्ची का नाम मोमो बन गया कि वो आपकी एक्टिंग करती है, एक्ट करती है आपकी तरह। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी करैक्टर से इंस्पायर्ड होकर उसके जैसी एक्टिंग करना चाहिए हो? बेटा जितने मर्जी बोलना, किचन का काम सारा तू ही करना था। इंस्पिरेशन तो बहुत सारे लोग हैं मेरी। किसी की कोई चीज अच्छी है, किसी के अंदर कोई बात अच्छी है, किसी की एक्टिंग का कुछ फ्लो बहुत खूबसूरत है, कोई बोलता बहुत अच्छा है, बहुत सारी इंस्पिरेशन है। लेकिन जब खुद की बात आती है ना, तो मुझे खुद भी नहीं पता होता कि निकलेगा क्या। आप पूछना चाहती हैं कुछ? चलें पूछिए। मेरा नाम मोबीन ज़हरा है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। आप इतने क्यूट क्यों हैं? तो इतना शर्मीला है, कल शर्मा के तो सियालकोट चला गया, तो बढ़ गई नहीं। बहन की सवाल का जवाब दे। जी यही सवाल है क्या आपका? हो गया जी बेटा, ये तो कमेंट हो गया ना सवाल। मैं आपको जवाब देता हूँ इसका जी। जो आपको मैं लग रहा हूँ, मैं इसलिए लग रहा हूँ कि ये जब जब इंसान पे उसकी रहमत होती है तो रहमत के कई नाम होते हैं। क्या बात, कोई दिलचस्प कहने लगता है, कोई क्यूट कहने लगता है, कोई टैलेंटेड कहने लगता है, कोई फनकार कहने लगता है।